अस्सलाम वालेकुम क्लास बेटा, आज हम इसा नज़म की आज नात करेंगे। और नात किसे कहते हैं? नात बेटा वो हम वो है नज़म का वो सिंफ है जिसमें कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं। इसके जो शायर हैं उनका नाम अरुण कादरी है, और इसका खुलासा बयान करेंगे जो मैंने आपको पहले लिखा था कि मुआफ़ इससे ज़्यादा ना हो। इसके अशआर हैं बेटा, इसका पहला शेर है बेटा, आप अपनी बुक्स में देखिएगा। तू मकसद तकलीफ है तू हासिले ईमान, जो तुझसे गुरेजा वो है खुदा से गुरेजा। शेर कहता है, ए बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की तकलीफ की वजह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर जो हुआ वो या खुदा से दूर हुआ। हमारा कलमा जिसमें जैसे हम इस्लाम में दाखिल होते हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप इस्लाम में ही दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि आप कलमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं करते। आप तो मकसद तखलीक है, आपकी वजह से ही कायनात को तखलीक किया गया। तो हासिल ईमान है, आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता बेटा जब तक कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना पे अमल नहीं करते। जब आप कहते रहे ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह जो मर्जी कहें, जब तक आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहेंगे आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता। दो चीजें हैं, कुरान और मेरी सुन्नत। जब आप कुरान को थामते हैं तो जरूरी है कि आप सुन्नत पर अमल करें। बेटा कुरान आपको कहता है कि आपने नमाज पढ़नी है, उसका पूरा तरीका आपको सुन्नत में मिलता है, तो आपका ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है? जो तुझसे गुरेजा शायद कहता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी इख्तियार करता है वो खुदा से दूरी है। आप दुनिया का कोई ऐसा रास्ता नहीं बेटा जो सुन्नत से हटकर अलग लग जाता हो, जा ही नहीं सकता। इसीलिए कहा कि अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ अपने नबी के नाम को जोड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कुरान पाक में सूरह निसा में क्या आया कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की वह उसने अल्लाह की इताअत की। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कि नबी कोई भी अपने पाक से कुछ नहीं कहता, वो वही कहता है जो उसके हुक्म में रबी होता है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि आप कायनात में कोई भी काम नहीं कर सकते कामयाबी का जब तक कि आप उसका हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल नहीं करते। और ये बात याद रखें कि खुदा के मुकाम, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेहतरीन मुकाम मिले तो वो नहीं मिल सकता जब तक कि आप उसका हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल नहीं करेंगे। अगला शेर है, किरदार का ही हाल सदाकत ही सदाकत, इखलाक का ये रंग के कुरान ही कुरान। बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार सरापा सदाकत और इखलाक जो है वो कुरान है, आपका अमली नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है अपनी बेहतरीन सिफात के साथ। प्यारे बेटे, जब इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उससे पहले के जमाने को जमाने जाहिलियत कहा जाता है। तो आप सोचिए कि जो इंतहाई अथाह गहराइयों में डूबा हुआ ऐसा माशरा था बेटा, जो हर माशरती बुराई में मुब्तला था, वहां पर आकर जहां शराब पी जाती हो बेटा, जुल्म किया जाता हो, बेटियों को जिंदा गर्गोर कर दिया जाता हो बेटा, जहां खाना काबा का बरना होकर तवाफ किया जाता हो, उस कौम को तहजीब सिखाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनको बताया कि बेटी का क्या मुकाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको झूठ से निकाला। अब किस तरह निकाला कि वो लोग जो इतनी माशरती बुराइयों में मुब्तला थे मेरे बेटे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनके साथ झूठ नहीं बोला ताकि उनके अंदर ये सिफात पैदा हो कि जब इंसान सच्चा होता है तो लोग उसकी बात को सुनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिखाया कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से, जो कि मुकम्मल कुरान की एक तफसीर है, अब अगर जो हमारे पास कुरान की तफसीर आती है अगर उसको हम अमली तौर पर देखना चाहें तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होती है। जैसे कि बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। इसके बाद शायर अगले शेर में कहता है, क्या नाम में शामिल है जो तकबीर व आज़ा में, इस नाम की अजमत के हैं कुर्बान दिल व जान। बेटा इसका इसमें शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की अजमत का ये आलम है कि ये नाम तकबीर व आज़ा का लाजमी जुज है, हमारे दिल व जान इस नाम की बुलंदी पर निसार हैं। आप देखो देखें प्यारे बेटे, आप नमाज पढ़ते हैं
नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक कि आप उसमें दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ते और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। ये किस बात की दलील है? ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला सूरह अलम नशरा में फरमाता है, बेशक हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, और ये आपके जिक्र को बुलंद कर दिया गया है। कुरान पाक में क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, ए ईमान वालों, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। ये किस बात की शहादत है? ये किस बात की दलील है? ये आपकी अजमत और मर्तबे की दलील है। कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया कि इस इतनी से इतनी देर तक दुरूद पाक पढ़ा जाता है, इतनी से इतनी देर तक नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ जमीन और आसमान के दरमियान रुकी रहती है, इसमें से कुछ ऊपर नहीं चढ़ता जब तक कि तू अपने नबी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम न भेजे। ये अजमत है। इस आपकी दुआ रब कबूल नहीं करता जब तक कि आपने उसके नबी के नाम से उसको मांगा ना हो। ये अजमत है। आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमे नबीयीन बनाकर भेजा, रहमतुलिल आलमीन बनाकर भेजा, इसीलिए कि आप पर दीन को मुकम्मल किया और तमाम इंसानियत को कहा कि आपके लिए आपकी जिंदगी बेहतरीन नमूना है। अशकों से तेरे दहर, अशकों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब, फाकों ने तेरे दहर को बख्शा सरोसामा। बेटा इसमें शायद कहता है, इसका मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की खातिर हजारों तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन दीन की तकमील कर दी, खुद फाके उठाए जबकि जमाने को खजाने अता फरमाए। बेटा ये सारी कायनात के खजानों की अहमियत ही कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बादशाह हैं। आपने दुनिया की दौलत को तरजीह नहीं दी और आखिरत की जिंदगी को पसंद फरमाया अपने लिए। आपने दीन की खातिर बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। बेटा आपके सामने वाक्य है, ताइफ में आप पर पत्थर बरसाए गए। आप देखें कि लोगों ने आपके साथ कितना बुरा सलूक किया। आप मक्के से मदीने जा रहे हैं और गारे सौर में पनाह ले रहे हैं जबकि मक्के के लोग आपके पीछे हैं, आपकी आपके जान लेना चाहते हैं, और अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई है। ये तकलीफें जो आपने बर्दाश्त की। गज़वा खंदक के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अपने बाकी सहाबा के साथ वैसे ही खंदक खोद रहे हैं जैसे कि आम सहाबी हैं। आप हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हमारे घर में कभी कभी चूल्हा जलता था, वरना कुछ चीज़ पकाने के लिए नहीं होती थी। जब किसी घर से कोई गोश्त या कोई चीज़ आती थी तो तब हम खाते थे। आप देखें बेटा, जिनकी वजह से हमें रिस्क मिलता है, क्या उनके लिए रिस्क की कमी थी? क्या मूसा की कौम जिन पर बनो सलवा उतरता था, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये सब कुछ नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता था बेटा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तकलीफें और सब चीज़ें बर्दाश्त की अपनी उम्मत के लिए, और बताया बताया कि सब्र कैसे करते हैं, वरना आपके लिए खजानों की कोई कमी तो नहीं। आपके पास दोनों जहानों के खजानों की चाबियां हैं। आप तो वो हैं जो हम जैसों की शफात करेंगे बेटा। आप पर हजारों करोड़ों दुरूद व सलाम बेटा, कि जिसको पढ़ने से हमारे ही दर्जात बुलंद होते हैं, हमारे लिए ही आसानियां होती हैं। इसके बाद अगले शेर में बेटा शायर कहता है, इंसान को शाइस्ता और खुददार बनाया, तहजीब और तमद्दुन तेरे शर्मिंदा है एहसान। बेटा शेर में शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को अपनी सच्ची तालीमात के जरिए मुहज्जब और खुददार बनाया, इसलिए तहजीब और तमद्दुन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ममनून एहसान है। आपको मैंने बताया कि अरब का माशरा किस कदर बुराइयों में डूबा हुआ था। हर बुराई थी बेटा उनके अंदर, माशरा तबाह हो चुका था। गैर बेटे कोई भी ऐसा माशरा जिसके अंदर इखलाकी बुराई बहुत बढ़ जाती है, वो माशरा माशरा नहीं रहता, इसीलिए इसको जमाना जाहिलियत कहा जाता है। हर कबीले का अपना सरदार है, छोटी छोटी बात पर वो लड़ पड़ते हैं, और शराब जुआ आम है, औरत की कोई कदर कीमत नहीं है, जायदाद की तकसीम अजीब है, अपने दुश्मनों के साथ कितना बुरा सलूक किया जाता है बेटा, कि उनकी आंखें निकाल दी जाती हैं, उनके अजान काट दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माशरे में अरब की काया बदल पलट दी बेटा। आप सोचें कि उस माशरे से लोग सहाबी बने कि जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबी सितारों की मानंद हैं, आप जिसकी भी पैरवी करेंगे आप फलाह पाएंगे। उस माशरे से लोग निकले। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था कि आपने इंसानियत को शाइस्तगी सिखाई, आपने लोगों को खुददार बनाया कि खुददारी क्या चीज़ होती है। किसी भी माशरे की कामयाबी के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तहजीब और तमद्दुन के बगैर माशरे तरक्की नहीं करते बेटा। तहजीब दी माशरे को।
कोई माशरा अपनी तहजीब के बगैर कायम रह सकता है? वो एक जाहिलियत से भरा हुआ माशरा तो हो सकता है, उसमें इंसानियत वाली कोई बात नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम चीज़ें लोगों को सिखाई। रहमत का ये आलम है, मुरव्वत का ये अंदाज, माहिर माहिर सब उन्हें गार है वाबस्ता है गामा। उसके बाद ये शायर अपना ये आखिरी उसका शेर है और उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और मोहब्बत की ये कैफियत है कि माहिर जैसा गुनहगार शख्स को भी अपने दामन रहमत में पनाह दे रखी है। बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रहमत है हम सब के लिए। आपकी आपने पूरी ज़िंदगी में कभी किसी के लिए बददुआ ना की, हमेशा लोगों को दुआएं दी। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब ताइफ के मौके पर आप पर पत्थर बरसाए गए बेटा, तब भी आपने उनको बददुआ नहीं दी। आप तमाम आलम के लिए रहमत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन कहा गया, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर एक के लिए। आपने दुश्मनों को के साथ अच्छा सलूक करके बताया कि इनके भी हकूक हैं। जानवरों के साथ अच्छा सलूक करके बताया कि ये भी जान रखते हैं। आपने पौधों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, इंसानियत के हर रिश्ते के साथ करके ये बताया कि हर चीज़ जिंदा चीज़ अपने हकूक रखती है, उसका ख्याल रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों रहमतें, करोड़ों दुरूद व सलाम। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुराद गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम उठाने वाला। क्लास टेलीविटी आपकी आज नात कंप्लीट हुई है, आपने इसका खुलासा भी करना है, अशार भी करने हैं और उसमें अशार जरूर लिखने हैं। अल्लाह ताला बेटा आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। थैंक यू सो मच।